नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। ग्रामीणों का आरोप, वन विभाग राजस्व की जमीन को अपना बता रहा है। रायसेन जिले के महलपुर पाठा से आए ग्रामीण काफी परेशान है। मंगलवार के दिन जन सुनवाई में पहुंचकर उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई कि बरसों से हम जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान को वन विभाग अपनी जमीन बता रहा है, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि वह जमीन राजस्व की है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। क्या मामला है? मामला ये है, हमारी जमीन है साहब राजेश की जी, और वन विभाग कहता है कि हमारी आज से कम 50 हमारे जन्म नहीं थे, हमारे बाप दादाओं के हाथ की जमीन, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं, कोई काम करते हैं करने नहीं देते। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे कम से कम 50 लोग हैं। अच्छा जी, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं हमारी जमीन है, यहाँ कुछ नहीं करोगे तुम, ज्यादा करोगे तो भगा देंगे, यहाँ प्लांटेशन बनवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। एक तालाब है छोटा सा, वो छत्तीसगढ़ से था, उसमें कम से कम 10-20 लोग पानी देते हैं, किसान अपनी किसानी करते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो गया, उसे हम सुधरवाना चाह रहे हैं, वो मना करते हैं नहीं यहाँ कुछ नहीं करो। कौन से गांव का मामला है? महलपुर पाठा। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? हमने DUFO के साहब के पास करी, तहसीलदार के पास करी, आज कलेक्टर के पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शर्मा बंजारा।